नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। मुख्यालय स्थित मेन बाजार के प्रांगण में फ्रेंड्स क्लब के नेतृत्व में फलाहारी वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व विधायक आनंद प्रताप देव, थाना प्रभारी जनार्दन राम, मुन्नी लाल प्रसाद, मुखिया प्रतिनिधि दिनेश राम, क्लब के अध्यक्ष अनुज प्रकाश, सचिव मणि पटवा सहित अन्य ने संयुक्त रूप से गायत्री मंत्र का जाप कर व दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर पूर्व विधायक आनंद प्रताप देव ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि छठ महापर्व के अवसर पर फलाहारी के साथ साथ पूजा की सभी सामग्रियों का वितरण करना बहुत ही पुनीत कार्य है। उन्होंने फ्रेंड्स क्लब के लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा यह क्लब छठ व्रतियों के अलावा कई सामाजिक कार्य में भी रुचि लेता है, जिससे यह क्लब मिसाल साबित हो रहा है। मौके पर क्लब के अध्यक्ष अनुज प्रकाश ने कहा कि लगभग 22 वर्षों से हम लोग छठ घाट की साफ सफाई व फलाहारी सामग्री का वितरण करते आ रहे हैं। इसके अलावा छठ घाट पर व्रतियों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया भी कराई जाती हैं। इस मौके पर क्लब कोषाध्यक्ष राजीव कुमार, राजू प्रसाद, नंदू प्रसाद, प्रेमचंद सोनी, दीपू कुमार, पीयूष राज सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं मेन बाजार के प्रांगण में ही भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के समाज सेवी गोपाल कृष्ण चौबे के नेतृत्व में फलाहारी का वितरण किया गया। इधर पश्चिम टोला डंडई के आजाद हिंद नवयुवक क्लब, राधा कृष्ण मंदिर निर्माण कमेटी करके के निषाद क्लब, रारो के न्यू इंजन क्लब सहित अन्य क्लबों के द्वारा फलाहारी का वितरण किया गया। धन्यवाद।